वाइट बोर्ड एप्लीकेशन, राइट। आप भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाने में आपको एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसपे आप लिख सको, जिसपे आप एक्सप्लेन कर सको, डायग्राम बना सको। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या हो रहा है मार्केट में, तो जो हम जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेड मार्केटिंग के थ्रू आपको सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं अलग अलग टाइप के वाइट बोर्ड्स। देखिए वाइट बोर्ड ना आपको बाय करना ही नहीं है, बिल्कुल बाय नहीं करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सा व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है, वो है हमारा वन नोट। वन नोट एक ऐसा व्हाइट बोर्ड है जो उसके कंपैरिजन में अभी तक मुझे कोई ऐसा व्हाइट बोर्ड नहीं मिला। यहाँ पर आप मैथ्स की इक्वेशन हुआ या फिर आप इमेज से पीपीटी पीडीएफ जिस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये समझना है, आपको इतना मैच्योर इनफ बनना है, आपको किसी भी वीडियो से ऐसे कंफ्यूज या भ्रमित नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को इग्नोर करना है, आपको कोई एप्लीकेशन बाय नहीं करनी है वाइट बोर्ड एप्लीकेशन के नाम पर जो आपको बोलता है कि अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हो। नहीं बॉस, वन नोट फ्री है। देखिए अब बहुत से लोग बोलेंगे फ्री है, शायद पेड होगा, विंडोज के चक्कर में पेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पायरेटेड भी यूज कर लोगे तो भी आप एज अ पर्सनल यूज में आपको विंडोज वाले या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। वन नोट एप्लीकेशन आप कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे आपको यूज करना है, मैं इसकी सीरीज ऑफ वीडियो आपके लिए बना के लेकर आऊंगा। पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि व्हाइट बोर्ड के नाम पे एक एप्लीकेशन है वन नोट, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी एक और फ्री एप्लीकेशन आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप उन दोनों एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, मगर इसके अलावा किसी भी पेड एप्लीकेशन, देखिए मैं किसी भी पेड एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कोई भी, मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैं आपको बता दूँ आपको पे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई ऑफर दे रहा है तो उस ऑफर में भी नहीं जाना है, आपको सिंपली क्या करना है, वन नोट को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन नोट कैसे इंस्टॉल करना है और उस पर कैसे आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाके आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर पे जो पहली सर्च आपको मिलेगी वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर है जैसे आपका गूगल का प्ले स्टोर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स पे जाना है, जैसे सर्च बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन क्लिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है वन नोट। वन नोट टाइप करते ही आपको यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वन नोट की अलग अलग एप्लीकेशंस मिलेगी। देखिए अगर आपका विंडोज़ 10 है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काम की है, आपको ये एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई लोअर वर्जन का विंडोज़ होगा तो आप साइड में जो आपको एप्लीकेशंस दिख रही हैं उस पर भी आप जाके प्रॉपरली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एप्लीकेशन है विंडोज़ 7 या ओल्डर वर्जन के लिए काम की है। तो क्योंकि मेरा सिस्टम विंडोज़ 10 है तो मैं विंडोज़ 10 वाला इंस्टॉल करूँगा। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वन नोट में आप देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पर अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। ये स्क्रीनशॉट्स को आप देखो, ये सारी चीज़ें पूरी अपनी एक नोटबुक बनाई जा सकती है वन नोट के अंदर। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आपको वाइट बोर्ड का जो मज़ा है वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और मैं इसको आगे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को लेके चलता हूँ। तो आपको क्या करना है, गेट पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप उस पर पॉपअप पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लॉन्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते से ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपसे यहाँ पे आपको अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप या तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पर्सनल अकाउंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंट, तो आप पर्सनल अकाउंट के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए ये है हमारा वन नोट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एक होम का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद में इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई टेबल डालना है, ये सब पिक्चर्स ऐड करना है, पीडीएफ ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, ऑडियो, मीटिंग सिंबल्स, इक्वेशन, फॉर्म्स, उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो। आप आराम से यहाँ पर उससे इन सारे पेन टूल के अकॉर्डिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, रूलर यूज़ करना चाहो, शेप यूज़ करना चाहो, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। व्यू के ऑप्शन पे आप जाओगे तो नेविगेशन पेन से आप अपना खुद का यहाँ पर अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हो, सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो
आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं इस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये थी इंस्टॉलेशन की बेसिक प्रोसेस। देखिए सब्सक्रिप्शन के नाम पे अगर आपको कोई भी व्हाइट बोर्ड वाली कंपनी बोलती है एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है तो आप नहीं लीजिए, क्योंकि आप एक बार एक सॉफ्टवेयर के हैबिचुअल हो जाओगे तो आप उसको पे करना प्रेफर करोगे, पर आपको ये नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीचर कम्युनिटी में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।